हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 49 साइंस क्लास 9 इंग्लिश मीडियम। बेटा टिश्यूज में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फ्लोएम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग जाइलम के बारे में पढ़ चुके थे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं? जो मोर देन वन टिश्यू से बनते हैं उसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, जिसमें दो नाम आ रहा है, एक जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम दो आया। जाइलम हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्लोएम के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करें बेटा। देखिए जाइलम का हमने पढ़ा था कि जो रूट्स हैं, ये ट्रीज हैं, इसके रूट्स से वाटर एंड मिनरल्स को ये अपरूट डायरेक्शन में लेकर आता है और सबको जो है वाटर एंड मिनरल्स पूरे बॉडी पार्ट्स को प्लांट के मिलता है, यही था ना। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम क्या करता है? जो लीव्स होती है जहाँ पे फूड बनता है, लीव्स में तो फूड बनता है ना फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ये फूड को बॉडी पार्ट्स तक यानी प्लांट के सारे पार्ट्स तक ये क्या करता है? ट्रांसलोकेशन यानी कि फेज सेंड करता है। तो इसका मतलब ये ऊपर और नीचे सब जगह खाना चाहिए। देखिए रूट्स को भी चाहिए और पार्ट्स जो है ट्रीज के स्टेम हैं, लीव्स हैं, सब जगह सबको चाहिए खाना। तो फ्लोएम जो है वो ट्रांसफर करता है, ठीक है। इसका मतलब कि जाइलम की डायरेक्शन बेटा एक डायरेक्शन होती है नीचे से ऊपर की, और फ्लोएम की डायरेक्शन होती है अपवर्ड भी होती है एंड डाउनवर्ड भी होती है, दोनों डायरेक्शन, यानी ये दोनों डायरेक्शन में होता है। अब पढ़ते हैं, ठीक है। वाटर एंड मिनरल सॉल्ट आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स। रूट्स जो हैं वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, और वो जाइलम जो हमारा टिश्यू है वो अपवर्ड डायरेक्शन में उनको पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। ठीक उसी प्रकार से जो फूड है जो लीव्स में बनता है वो डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसलोकेटेड होता है विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसका नाम है फ्लोएम। यानी फ्लोएम क्या करता है? फूड को पूरे बॉडी पार्ट तक, प्लांट्स के जितने हिस्सा है वहां तक, सारे डिफरेंट पार्ट्स तक फ्लोएम ट्रांसफर करता है फूड को, और उस ट्रांसफर को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यानी इसकी डायरेक्शन तो दोनों टाइप की हो गई। तो अब हमें दोनों में मेन डिफरेंस समझ में आ गया कि जाइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसफर करता है यहां से वहां, और फ्लोएम फूड का ट्रांसफर करता है यहां से वहां, ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ये पिक्चर है कुछ बेटा, देख लीजिएगा इसको, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। आप ये देखिए फ्लोएम, अभी आपको बताया कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो मोर देन वन टिश्यू से बने होते हैं। तो देखिए इसके भी पार्ट है। फ्लोएम जो है डिफरेंट टाइप के सेल से बना होता है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन मतलब इसके साथ ही है फ्लोएम, पैरेंकिमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। आप यहाँ देख सकते हैं सीव ट्यूब है, ट्यूब टाइप की होती है, और इसी का कंपेनियन आपको नजर आ रहा है, इसके साथ में खड़ा है ये, ठीक है। फ्लोएम पैरेंकिमा में नजर आ रहा है और फाइबर्स इसी में है, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। तो सीव ट्यूब्स क्या होते हैं? ट्यूब की शेप में होते हैं बेटा, आप देख सकते हैं ट्यूब की शेप में है ये, ठीक है। और इसी के साथ ही, इसी के साथ में जो होता है वो बोलते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस होता है, देखिए अपने न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस ये रहे, ठीक, तो इनके न्यूक्लियस होते हैं और सेल ऑर्गेनल्स जो भी होते हैं वो होते हैं। तो दोनों हमें समझ में आ गए इन दोनों के बारे में। अब फ्लोएम पैरेंकिमा और फाइबर्स, देखिए फाइबर को छोड़ के जो ये सारे मिलके ना एक ही काम है इनका, ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, सब मिलके काम तो एक ही करते हैं। इसमें जो फ्लोएम जो फाइबर है यानी ये फाइबर है, इसको छोड़ के बाकी जो कंपोनेंट हैं फ्लोएम के वो लिविंग होते हैं। इसका मतलब यही है जो डेड है कि नहीं, बाकी सारे लिविंग हैं। क्लियर हुआ? चार पार्ट से मिलके बना है फ्लोएम, समझ में आ गए? इन चारों से, चारों के सारे सेल से बना है मिलके, मोर देन वन सेल, 1, 2, 3, 4 टाइप है इसके सेल्स के। नाउ फंक्शन क्या है फ्लोएम का? अभी तो बताया हमने, क्या बताया? ट्रांसफर करना फूड का, कहाँ से? लीव से कहाँ तक? और अदर बॉडी पार्ट्स तक। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, यानी लीव से बॉडी पार्ट्स तक जितने भी प्लांट्स के पार्ट हैं, अपवर्ड है, राइट लेफ्ट है, डाउनवर्ड है, रूट तक, सब तक ये पहुँचाता है। यानी ये आपको देखे दो डायरेक्शन इसकी हो जाती है, इसे कहें तो ऊपर भी जाता है और ये नीचे भी जाता है, ठीक। जाइलम की तरह नहीं है ये दोनों डायरेक्शन में मूव होता है। तो यही तो दोनों इसके काम है कि ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है फ्लोएम टिश्यू ना। बहुत इजी था। पहला क्वेश्चन क्या है? नेम द कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के कंपोनेंट बताने हैं बेटा, बताइए। तो कंपोनेंट तो सामने ही हमारे है कि नहीं, तो हम इसके कंपोनेंट बता देते हैं। कौन कौन से बताइए? सब हम इरेज कर देते हैं पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर वन का ये पार्ट है कंपोनेंट वाला, क्वेश्चन नंबर वन आपको ये चारों उसमें बता देने हैं। फिर क्या है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में डिफरेंशिएट बताना है, डिफरेंस बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये है, ठीक है, ये है जाइलम का और ये है फ्लोएम का। थोड़ी सी लेट हो रहे हैं हम लोग आज, थोड़ी सी लेट हमारी वीडियो अपलोड हुई, कोई बात नहीं। ये तीन पॉइंट हमने लिखे हैं। तो जाइलम क्या है, जो टिश्यू होते हैं मूव इन यूनि डायरेक्शनल यानी वन डायरेक्शनल में मूव करते हैं ओनली, और ये बाई डायरेक्शनल यानी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड अप एंड डाउन दोनों डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो ये मूवमेंट का है, हमने हेडिंग भी लगा दी इसमें कि मूवमेंट। नाउ दे लिव विद होलो डेड सेल, डेड सेल होते हैं ना इसमें, और इसमें हमने पढ़ा था फाइबर्स के अलावा बाकी सारे जो है लिविंग सेल्स होते हैं। तो लिविंग सेल्स होते हैं किसको छोड़ के बताइए, फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। क्लियर है? तो ये पॉइंट हो गया, दे लिव विद साइटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता इसके अंदर, ये डेड सेल है, ये लिविंग है। नाउ ये हो गया। नंबर ऑफ टिश्यूज की बात करें तो टोटल अमाउंट ऑफ जाइलम टिश्यू इज मोर, और इसमें कम होते हैं, इसमें टिश्यूज जो है कम होते हैं फ्लोएम में, इसमें ज्यादा होते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि ये क्या ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर क्या होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये तो था, ठीक है, ठीक है, कहां से, फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। और इसका क्या होता है, लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो मैंने आराम से ये बोले, एक पॉइंट हमने अपनी तरफ से भी बना लिया। तो इस तरह से चार पॉइंट इसके बन गए डिफरेंस के, होप आपको समझ में आया होगा, आसान लगा होगा। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू के फंक्शन आपको ये दे रखे हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ एक पॉइंट भी बता सकते हैं चल जाएगा, और दोनों बताने हैं तो ये बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर थ्री, और ये क्या था, क्वेश्चन नंबर टू। तो कितने क्वेश्चन हो गए, वन टू थ्री हो गए, यस। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज नेसेसरी इन प्लांट, प्लांट में ट्रांसलोकेशन क्यों जरूरी है बताइए, ऑफ फूड जो है प्लांट में क्यों जरूरी है, क्योंकि एनर्जी देखिए चाहिए, है ना। तो ये है मूवमेंट जो है, ट्रांसलोकेशन क्यों जरूरी है, तो आप इसको बता सकते हैं। क्या बताएंगे इसका, क्वेश्चन नंबर फोर का, क्वेश्चन नंबर फोर सामने हम आंसर लिख देते हैं, आंसर आंसर फोर, आंसर फोर क्या लिखेंगे, ट्रांस लोकेशन ऑफ फूड इज नेसेसरी किस लिए, इन प्लांट्स टू गेट एनर्जी। आया समझ में, एनर्जी प्राप्त करने के लिए जरूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर पांच, फ्लोएम टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों है, बिकॉज 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 कॉम्प्लेक्स का मतलब तो ये है ना, मोर देन वन सेल से बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है, दैट्स ऑल, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव हो चुका है, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बताइएगा कि जो जाइलम टिश्यूज हैं उनकी डायरेक्शन वन डायरेक्शन होती है या टू डायरेक्शन, कमेंट का वेट होगा। और साथ ही आप सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।